नीको कोवाच, नीको कोवाच हमारे समक्ष नहीं रहे। नीको कोवाच को गांड पे लात मार के बाहर निकाला गया है। बहुत ही सही डिसीजन अकॉर्डिंग टू मी। बायर्न के बोर्ड ने बहुत ही सही डिसीजन ली पहली बात तो, और बहुत ही सही टाइम पे मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी क्वार्टर ऑफ द सीजन हुआ है, ठीक है, बहुत अर्ली है सही बताओ तो, बट थिंग्स गॉट आउट ऑफ हैंड। सही में, सही में, प्लीज प्लीज, डिस्पाइट ऑफ लूजिंग ओनली टू गेम्स इन माई ओपिनियन इस सीजन, सही में स्टिल बहुत ही गंदी परफॉर्मेंसेस, बट काफी सही डिसीजन एंड सरप्राइजिंगली, क्योंकि बायर्न के बोर्ड को काफी क्रिटिसिज्म मिल रहा है लेटली। उली हॉयनेस, रोमेनिगी, इनकी कोहिजन को क्वेश्चन किया जा रहा है, क्योंकि ट्रांसफर मार्केट पे काफी लेट कॉल्स करना, रिलीज क्लॉजेस ट्रिगर ना कर पाना डिस्पाइट ऑफ बीइंग एफसी हॉलीवुड, डिस्पाइट ऑफ हैविंग लोड्स ऑफ मनी, ठीक है, बड़ा क्लब है, इकोनॉमी फाड़ ठीक है, ब्रांड वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और अब आफ्टर उली हॉयनेस विल स्टेप आउट आफ्टर एएमजी इलेक्शंस, हार्बर्ट हाइनर, एडिडास का सीईओ फॉर्मर, जो भी बकचोदा है वो उसकी जगह आएगा, तो ब्रांड वैल्यू सब कुछ आगे बढ़ने वाली है, ठीक है, प्रोजेक्ट सब कुछ आगे बढ़ने वाले, ठीक है, यूएसए में काफी टाइम बिताया, ठीक है, अब काफी सही डिसीजन इस टाइम पे पहली बात तो, एंड थिंग्स गॉट वेरी आउट ऑफ हैंड। पहली बात तो ऑब्वियसली अनलकी, नीको कोवाच अनलकी, क्योंकि लुकास हर्नांडेज इंजर्ड, निकोलस जुला इंजर्ड, और ऑलरेडी यू कांट बी एक्सपोज टू समवन लाइक जेरोम बोटिंग, जिसकी वजह से इन माई ओपिनियन लास्ट कॉफिन इन द नेल उसी ने दिया। जेरोम बोटिंग चूतिया वाला टैकल अगेंस्ट आइंट्राक्ट फ्रैंकफर्ट, रेड कार्ड आफ्टर 8 मिनट्स, पूरी गेम प्लेइंग 10 मिनट, एंड उसके बाद बहुत सारी मिस्टेक जिसमें मैं भी आऊंगा, बट स्टिल जेरोम बोटिंग इज अ लंड डिफेंडर एंड देवर प्लेइंग अलाबा एज अ सेकंड डिफेंडर, तो अभी तक ये हालत चल रही है। नंबर सिक्स पोजिशन नॉट श्योर, क्योंकि किमिच राइट बैक, सेंटर मिड इन माई ओपिनियन, सेंटर मिड इन माई ओपिनियन, क्योंकि पावार्ड कैन प्ले देयर, बट स्टिल डिफेंसिवली शॉर्ट हो तो चुदा, ठीक है ठीक है ठीक है। थियागो अल्कांतारा, काफी प्रेशर उस पर, हावी मार्टिनेज रो रहा है बेंच पे बैठ के, या फिर कौन अपना लुकास हर्नांडेज की इंजरी की देखभाल कर रहा है, नहीं उसका काम ये नहीं है ना, ठीक है, काफी चुदे पड़े सिचुएशंस, एंड टैक्टिकली ऑल्सो गनाब्री, कोमान, सिर्फ इन्हीं पे काम किया, ऑब्वियसली टफ, इट्स टफ, क्योंकि एक एरा खत्म हुआ, अभी भी ट्रांजिशन था, आर्यन रॉबिन, फ्रैंक रिबरी, इतना उनको नहीं कर पाया स्टिल, बट गनाब्री, कोमान पे काफी काम किया, एक अच्छा सिस्टम बनाया कि डिफेंसिवली नहीं सही, बट स्टिल काउंटर अटैक पे विंगर्स, ओवरलैपिंग रन्स, टू एंड फ्रो, बिल्कुल ड्रॉप करना, आगे निकलना, ये सब चीजें पे काफी काम किया, और यही चीज दिख रही थी, सही बताऊं तो सिर्फ यही चीज दिख रही थी, एंड हॉट रॉबर्ट लेवेंडोस्की सेविंग देम अलॉट, कुटिनियो की परफॉर्मेंस डिप हो रही है थोड़ी, टैक्टिकली इतना कुछ अलग, इतनी वैरायटी नहीं दिख रही थी, ये अच्छा वर्ड है ना, तो इट हैड टू हैपन, उसको जाना था, एंड ट्रस्ट मी You can't rely on someone like Niko Kovac, क्योंकि to manage a club like Bayern Munich, you need history, क्योंकि हम तुमको कैसे trust करें, ये main question है, Niko Kovac को कैसे trust करें, वो कैसे trust करें कि उनको Champions League में एक अच्छा prospect बनेगा, कैसे, inconsistently, but चीजें अब जा चुकी है, अब now main question, who should be the next manager in charge of golden ticket to Bayern Munich, बड़ा club है ठीक है, अच्छा project है, ओनर्स पैसा फेंकने को तैयार है, कुछ चिंता वाली बात नहीं है, पैसा पैसा करती है, रोना रोना, ओके, मोरिनियो, पैसा चाहिए ना उसको, पैसा चाहिए, वो कंप्लेन कर रहा था पिछले साल कि यार मोरिनियो, या देख ग्वार्डियोला को देखो, वो तो शेक टट्टे चाट, तो उसको पैसे मिल जाते हैं, क्लॉप को देखो कैसे एफएसजी ने पैसे खर्च किए, ठीक है, देखो अब मोरिनियो अगर जाता है बायर्न म्यूनिक, पैसा मिलेगा, मैपिन मिलेगा, ठीक है मिलेगा मानो, एंड मोरिनियो लर्निंग जर्मन, नेवर बीन टू बुंडेसलीगा, श्वाइनस्टाइगर बातें चोद रहा था उसके बारे में कि मोरिनियो मेरे से पूछता है बुंडेसलीगा का, अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉर मोरिनियो, बट मेन क्वेश्चन ये है कि शुड, क्योंकि मोरिनियो का एंटूराज तो ऑफकोर्स बोलेगा कि वहां पे आए, बट शुड बायर्न म्यूनिख अपॉइंट जोसे मोरिनियो, और कोई ऑप्शन देखते हैं, राल्फ राग्निक, ये लीप्जिग का चेयरमैन क्या है अभी, डायरेक्टर बना पड़ा, जो भी बच्चों दिए, मुझे एग्जैक्ट टर्म पता नहीं, कोई भी, क्या ये जॉब छोड़ के इस टाइम पे आ जाएगा, गुड मैनेजर, अच्छा काम किया इसने पिछले साल, बैक थ्री को और इमर्ज किया, एक अच्छी टीम बनाया लीप्जिग को, कुड बी अ गुड मैनेजर, एक्सपीरियंस है, जर्मन सब कुछ सही है, ठीक है, ओके, इसको रखता अभी बगल में, राल्फ राग्निक को, एरिक टेन हाग, एक टाइम पे असिस्टेंट मैनेजर ऑफ बायर्न म्यूनिख अंडर पेप ग्वार्डियोला, बट स्टिल वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू लीव आयक्स, आई डोंट थिंक सो विल डू दैट, अभी मिड सीजन ही, और आयक्स अच्छा खेल रहे ला लियो अपना एरेडिविजी में और चैंपियंस लीग में भी, डिस्पाइट ऑफ लूजिंग टू चेल्सी, टफ, एरिक टेन हाग इस टाइम पे तो टफ नहीं होने वाला मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना चूतिया नहीं काटेगा वो एक्स का, ठीक है, आर्सन वेंगर, अब मुझे पता नहीं, आर्सन वेंगर को जितना मैं देखता हूँ, जितना भी देखता हूँ मैं, ऐसा लगता है कि अभी मर जाएगा, सही बता रहा हूँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट,
तो मुझे पता नहीं कि बायर्न कैन रियली ट्रस्ट फॉर द लॉन्ग रन टू गो फॉर आर्सन वेंगर, है ना, यही थोड़ा इशू, थोड़ा चूती वाली बात है, बट स्टिल सही, ये सच बात है। तो आर्सन वेंगर यार, आई डोंट थिंक सो यार, आई डोंट थिंक सो बायर्न शुड गो दैट वे, क्योंकि नो यार नो, ऐसा क्या पास्ट है आर्सन वेंगर में फॉर द पास्ट 5 ईयर्स की बायर्न शुड लुक यू ठीक है यार, ये मैनेजर नहीं। आर्सन वेंगर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इज नॉट इन माई ओपिनियन अ पर्सन टू मैनेज अ क्लब। तू भाई उसमें लग जा, क्या कहते हैं, या तो यूएफए में लग जा, कोई कंपनी अंदर एक अथॉरिटीज हो बच्चों की, या फिर स्पोर्टिंग डायरेक्टर या फिर प्रेसिडेंट, ये सब चीज, ये इन इन चीजों में ठीक है, थोड़ी बोर्ड रूम में जॉब के लिए अच्छा रहेगा ठीक है। तो आई रूल आउट आर्सेन वेंगर टू बी ऑनेस्ट। और कौन है अपना, मैक्स अलेग्री, बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट एंड आई थिंक बायर्न शुड वुड लव टू गो टू हिम, बट इटालियन है, नो कनेक्शन टू जर्मनी, जर्मन लौड़ा भी नहीं आती उसको, डिफिकल्ट हो जाएगी ऑब्वियसली, लैंग्वेज बैरियर तो होता है विच इज नॉर्मल, बट टैक्टिकली ऑल्सो इफ बायन वुड बायन वॉन्ट टू गो अ पाथ ऑफ अलेग्री, क्योंकि उसका फुटबॉल इतना अट्रैक्टिव नहीं होता बट विनिंग मेंटेलिटी है बंदे में। बट अगर मैं बात करूं बायन की फिलोसफी की, बायन की फिलोसफी क्या क्या है, विनिंग फिलोसफी, विनिंग फिलोसफी है, इतना कोई एक स्टबन नहीं, इसलिए एक ही स्टाइल खेलने का है ना, तो विनिंग, इट कुड बी अ गुड रिलेशनशिप अलेग्री, बट मेरा, मेरे को सही में लग रहा है कि वही अलेग्री क्या वुड ही वॉन्ट टू गो टू बायन, क्योंकि मुझे लगता है अलेग्री अलेग्री का नेक्स्ट मूव वुड बी इन प्रीमियर लीग इन माई ओपिनियन, या तो आर्सेनल या यूनाइटेड इन माई ओपिनियन। तो स्टिल आई थिंक, बट इन माई ओपिनियन, फाइनल फाइनल, ये जोसे मोरिनियो इन माई ओपिनियन शुड, आई वुड पर्सनली लव टू सी हिम इन बायर्न म्यूनिक, आई थिंक ही विल डू वेरी गुड देयर, आई थिंक ही विल बी बैक्ड टू, एंड आई थिंक ही इज स्मार्ट, आई थिंक एक अच्छा स्क्वाड है बायर्न का, सही बताऊं तो, बट डिफेंसिवली चुदा पड़ा है, ये मेन कंसर्न हो सकता है मोरिनियो को, मे बी उसको रोकने से, बट स्टिल ये टफ है। मोरिनियो इन माई ओपिनियन शुड बी देयर इन माई ओपिनियन, एंड बायर्न शुड गो फॉर हिम ठीक है, बट राल्फ रागनिक, ये मुझे लग रहा हो जाएगा, मुझे लग रहा हो जाएगा, बट मोरिनियो शुड हैपन, दिस इज माई ओपिनियन। बाकी बायर्न म्यूनिक अगेंस्ट आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट, माई गॉड टेरिबल टेरिबल, 8 मिनट पे रेड कार्ड मिला, उसके बाद कोटिन्यो ड्रॉप कर रहा है मिडफील्ड में, है ना, थियागो और क्या अपना कौन, किमिच राइट बैक पे आ गया, पावार्ड सेंटर बैक पे, चुदे पड़े हैं। पहली बात तो बोटिंग की गलती, पहली बात तो अनलकी थोड़ा ऑब्वियसली, क्योंकि जब रेड कार्ड मिलते हैं सारे प्लान चुट जाते हैं ऑब्वियसली, विच इज नॉर्मल, बट ऑफेंसिव फेज में म्यूलर खेल रहा है, म्यूलर क्यों खेल रहा है मुझे समझ नहीं आया, म्यूलर क्यों खेल रहा है, एंड ये नीको कोवाच आइंट्रैक फ्रैंकफर्ट को बोल रहा है कि उनके फैंस बेस्ट है गेम से पहले, चूती है तू, पागल है, पागल कुत्ते ने काटा तेरे को, और म्यूलर को नहीं खेलना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि इन माई ओपिनियन म्यूलर इज नॉट बेटर देन कोमन, तो वाई इज कोमन नॉट प्लेइंग, समझ नहीं आया। तो पहली बात तो ये, आई थिंक लेवेंडोवस्की ने काफी ट्राई किया पॉकेट्स मारने का, बट चीजें नहीं बनी, बट आइंट्रैक फ्रैंकफुर्ट ने चूत मार ली लिटरली, आइंट्रैक फ्रैंकफुर्ट भाई जैसे ही रेड कार्ड मिला भाई फ्लैंक कर लिया बिल्कुल, ऑफेंसिव फेस में बिल्कुल दो बंदे तो बिल्कुल फ्लैंक में घुसे पड़े हैं, जो बैक फोरर्स को विथ वाइड करने के लिए और ताकि प्रेशर है उनके पास, और सेंटर में तीन बंदे रख के दोस्त ड्रॉप कर रहा है उनका स्ट्राइकर, हैंड चोट दी बिल्कुल, अब निकले जा रहे हैं वर्टिकल बॉल्स, निकले जा रहे हैं, गैम्बल कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि अब क्या कर लेगी बायर्न, क्या कर लेगी, क्योंकि मिलर निकलेगा नहीं, तो दैट्स व्हाई कोमान को पहले लाना था, ये बकचोदी, इट्स ओवर इट्स ओवर, एंड आई थिंक नाउ राल्फ रागनिक और जोसे मोरिनियो इन माई ओपिनियन, आई वुड लव टू सी जोसे मोरिनियो, बट आई थिंक राल्फ रागनिक वुड हैपन इन माई ओपिनियन, ये सीन है, बट आई थिंक वेरी स्मार्ट डिसीजन बाय बोर्ड बायर्न म्यूनिख, मिया सान मिया, वी आर हु वी आर, अब देखो अपनी आइडेंटिटी बचाओ, ये बंद क्यों नहीं हो रहा।